नमस्ते मैं मधु मैं वैलेंटीना और जैसे आप देख पा रहे हो हम एक नए वाइब के साथ आ रहे हैं क्योंकि ये फ़रवरी है और वैलेंटाइंस डे आ रहा है एंड देन ट्विन फ्लेम इज ऑल अबाउट लव एंड रोमांस तो फिर जैसे हम पहले uh, अलग से रहते थे जब हम अपनी इनर वर्क कर रहे थे ताकि हम फिजिकल यूनियन में आ सके और एक पीसफुल स्टेट में रह सके तो हम उस टाइम पे बहुत सारा टेक्निक जो हमें जखंडशीलिया ने सिखाया है तो उसको हमने अप्लाई किया था और हम आज आपको कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें सिखाने वाले हैं जो आप हमारे साथ अगर रेडी हैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तो प्लीज़ आप करिए हमारे साथ तो आज जैसे डे वन है तो डे वन का चैलेंज है क्लियरिंग ओके तो फिर हम बात करेंगे कि क्लियरिंग क्या होती है कैसे करना है क्लियरिंग तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे हम पता है कि अगर आप सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट uh, चल रहा है आपके ट्विन फ्लेम के साथ और आपके ट्विन फ्लेम आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है और आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड वैलेंटाइन डे पे मुझे कौन चॉकलेट देगा मुझे कौन फ्लावर देगा एंड देन यू आर एक्चुअली इन द मूड ऑफ सैडनेस एंड यू नो फीलिंग होपलेस बट जस्ट थिंक क्या क्या आप उस वाइब्रेशन में रह के अपनी ट्विन फिल्म को अट्रैक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए यू नीड टू फील गुड यू नीड टू बी इन दैट लव वाइब्रेशन पहले mm -hmm. तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि कैसे हम खुद को सेल्फ़ लव दे के और सेल्फ रोमांस दे के हम पहले उस वाइब्रेशन में आ जाए तो हम ये अगले सात दिन तक बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आप खुद को एक सेल्फ रोमांस और सेल्फ लव का फीलिंग खुद दे सकते हैं तो आज का जैसे मैंने बताया पहला स्टेप है क्लियरिंग जो हम दोनों ने भी काफ़ी डीप में एक दूसरे के साथ आने से पहले और आने के बाद भी बहुत अपनाया है सो so, क्लियरिंग वो होता है कि जैसे आपके दिल में अगर कोई पास लवर है या कोई पुरानी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जो खराब हो गई है लेकिन आपने अभी तक सोचा नहीं है उसका क्या करना है लेकिन वो आपके एरिया में पड़ा हुआ है तो फिर वो काफ़ी सारा डेड एनर्जी फील होता है तो बहुत जरूरी होता है कि आप वो सारी चीज़ों को अपने स्पेस में से निकाल लीजिए ताकि जैसे ही आपका लेट गो हो जाता है ये सारी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं कर रहा है तो फिर उस एनर्जी उस जगह में वो जो जगह बनती है वो जो स्पेस बनती है वहाँ पे यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपके लिए ला सकता है जो आपको हेल्प करेगा जो आपको अच्छा फील कराएगा सो चैलेंज एक्सेप्टेड Yeah, and next video we're going to do challenge day two, so look out for that. It's going to be a surprise for you. We'll see you there. Bye bye. Bye.